मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका एग्जाम कैसा गया? बहुत ही अच्छा गया। मैंने सबका रिजल्ट देखा, सबने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। सिर्फ रिजल्ट देख कर लग रहा था कि क्लास 8 के बच्चे बहुत ही मेहनती हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कंपेरेटिव स्टडी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड नंबर। हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़े थे और डिग्री ऑफ कंपेरिजन पढ़ा था, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो आज हम थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं, कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी जो कि किसी हमारे किसी भी गुण के बारे में बताया है, क्लियर है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब द काइंड, ठीक है, काइंड है, क्वालिटी है और स्टेट है ऑफ ए पर्सन और थिंग। सो एडजेक्टिव क्वालिटी बेसिकली किसी भी नाउन का काइंड बताता है, क्वालिटी बताता है या फिर यह स्टेट बताता है। इट मे बी यूज इन टू वेज। इसको हम दो तरीके से भी यूज कर सकते हैं। कैसे जानते हैं? कह रहा है दिस इज अ विक्ट मैन, दिस मैन इज विक्ट। विक्ट मतलब क्या होता है? जो कि बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत धूर्त होता है या कह सकते हैं बहुत चालाक होता है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा, नाउन क्या है इसमें? नाउन है हमारा मैन, और मैन को डिस्क्राइब कर रहा है विक्ट। तो विक्ट क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। कौन सा एडजेक्टिव हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ, क्लियर है। सेकेंड में दिस मैन इज विक्ट। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मैंने गलती करते हुए देखा है कि ये लोग सोचते हैं, मतलब जानते हैं जो भी उनकी समझ है, वो यही समझते हैं कि नाउन के पहले ही हमेशा ही एडजेक्टिव आता है। ऐसा नहीं है, नाउन के बाद भी एडजेक्टिव आ सकता है। जैसे आप देख सकते हैं दिस इज अ विक्ट मैन, यहाँ पे नाउन के पहले आया है और यहाँ पे नाउन के बाद आया है। सेम सेंटेंस दूसरा देखिए, दीज आर स्वीट मैंगोज, यहाँ पे स्वीट है, मैंगोज के पहले है, नाउन के पहले है। या दिस मैंगोज आर स्वीट, अ रिच मैन शुड हेल्प यू, दैट मैन इज रिच, लॉन्ग जर्नी मेड हिम टायर्ड, हिज जर्नी वॉज लॉन्ग। यहाँ पे देखा आपने, एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज हुआ है, यहाँ पे नाउन के बाद हुआ है। बल्कि इसमें कोई भी अंतर नहीं है, दोनों का मीनिंग एग्जैक्ट सेम है। When an adjective is used with the noun, it qualifies. It is said to be attributively used. कह रहा है कि जब भी noun के साथ कोई भी adjective है, उसको पहले उसको describe करे, तो उसी को बोलते हैं कि ये attributive है, उसको attributively use किया गया है। Attributive में क्या आता है? Something like जो कोई विशेषण बताता है, तो उसको attributive कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या attributive है? ये सारे attributive हैं। सेकेंड क्या दिया है, वेन द एडजेक्टिव इज यूज अलोन, कह रहा है अकेले में, नाउन के साथ नहीं, अकेले में, इन द प्रिडिक्टिव पार्ट, जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको पता ही है, तो प्रिडिक्टिव पार्ट यानी प्रिडिक्टिव में, प्रेडिकेट पार्ट में, तो एंड द नाउन इट क्वालिफाइज, इट इज यूज इन द सब्जेक्ट पार्ट, इट इज सेड टू बी प्रिडिक्टिवली यूज, क्लियर है। कह रहा है जो भी एडजेक्टिव प्रेडिकेट के पार्ट में जाके नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसको बोलते हैं प्रेडिक्टिवली यूज, क्योंकि ये प्रेडिक्टिव में हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, सारे एट्रीब्यूटिव में हुआ है और सारे प्रेडिक्टिव में हुआ है, जबकि मीनिंग सेम है, कोई भी अंतर नहीं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, गलती दोनों ही सही है। सही है। अच्छा, अब पढ़ते हैं। अब हमारा बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर को लेकर, आज हम इसको मैं क्लियर कर दूंगा अच्छे से। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या कहता है? टेल अस हाउ मच ऑफ ए थिंग इज इंटेंडेड। एंड एडजेक्टिव फॉर नंबर टेल अस हाउ मेनी पर्सन और थिंग और इन व्हाट ऑर्डर। अब देखिए, मच और मेनी में क्या डिफरेंस है, पहले तो ये समझना होगा। मेनी जो है हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। किसके लिए? काउंटेबल के लिए। और मच किसके लिए होता है? अनकाउंटेबल के लिए। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, MUCH में यू है, यू दिख रहा है आपको, तो
तो यू मतलब अनकाउंटेबल, तो आपको याद हो जाएगा मेनी मीन्स काउंटेबल और मच मीन्स अनकाउंटेबल, क्योंकि इसमें यू दिख रहा है तो मच ऑलवेज यू हमेशा किसके साथ आएगा, अनकाउंटेबल के साथ। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। तो भी तो क्या समझा है, जो एडजेक्टिव क्वांटिटी है हमेशा ही अनकाउंटेबल के साथ आता है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है हमेशा ही काउंटेबल के साथ आता है। क्लियर है? जो भी एडजेक्टिव क्वांटिटी आएगा यानी कि अनकाउंटेबल होगा और एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसको हम काउंट कर सके। एग्जाम्पल कर पढ़ते हैं, ही हैज स्पेंट ऑल द मनी। पहले ये बताइए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किस लिए मैंने बताया था, अनकाउंटेबल के लिए, किसके लिए, अनकाउंटेबल के लिए, और ए काउंटेबल के लिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और ए अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए। अब देखिए ही हैज स्पेंट ऑल द मनी, कह रहा है ऑल द मनी। अब यहाँ पे क्या है, अभी कहेंगे बच्चे सर क्वांटिटी में तो अनकाउंटेबल आता है, मनी यहाँ पे तो मनी को हम लोग गिन सकते हैं। ये बहुत सी मैंने एग्जाम में क्वेश्चन भी दिया था कि मनी काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल होता है, मनी जो है हमेशा ही अनकाउंटेबल होगा। आप पूछिए कैसे, वो ऐसे कि आप मनी कभी भी काउंट नहीं करते हैं, आप हमेशा रुपीस काउंट करते हैं या क्वाइंस काउंट करते हैं या डॉलर काउंट करते हैं, रियाल काउंट करते हैं, मनी काउंट नहीं कर सकते। मनी एक तरीके का यूनिट है, समझ गए? तो मनी क्या हुआ, अनकाउंटेबल हुआ। सी हैज क्लीन ऑल द रूम्स, रूम्स काउंटेबल है। देखिए ऑल यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा क्वांटिटी है नंबर से, सिंपल है। उसके बाद वाला आने वाला जो नाउन है अगर अनकाउंटेबल है तो क्वांटिटी में जाएगा, काउंटेबल है तो नंबर में जाएगा। एनी मनी, मनी अनकाउंटेबल है तो एनी क्वांटिटी में जाएगा। एनी पेन, पेन काउंटेबल है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जाएगा। इनफ वर्क, काम को कोई गिन नहीं सकता, कितना काम है, एक काम है, दो काम है, काम को कोई काउंट नहीं कर सकता। जैसे काम है तो काम के अंदर आप क्या काउंट कर सकते हैं, कि मुझे कपड़ा धोना है तो वो काम हो गया, कपड़ा धोना है, चाय बनाना है, लेकिन काम को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। इनफ चेयर्स, चेयर्स काउंट कर सकते हैं, तो इनफ के साथ हमारा वर्क भी लगेगा और चेयर्स भी लगेगा। डिपेंड करता है कि इसके बाद आने वाला क्वांटिटी में जाएगा कि नंबर में जाएगा। कैसे पता करेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल को देख के। सम वाटर, वाटर क्या है, काउंटेबल है, नहीं काउंटेबल है, तो सम वाटर किस में आएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जाएगा। आई टीच सम चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, चाइल्ड का प्लूरल है और काउंटेबल है कि नहीं काउंटेबल है, बिल्कुल काउंटेबल है, तो सम चिल्ड्रन एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो एडजेक्टिव है दोनों में ही आ सकता है, लेकिन कैसे पता करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बेस को देखकर, हाउ मच और हाउ मेनी को देखकर। यहाँ पे लिखा भी है अच्छे से, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आर ऑलवेज फॉलोड बाई अनकाउंटेबल नाउन इन सिंगुलर नंबर। कह रहा है एडजेक्टिव क्वांटिटी किसके साथ आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ और सिंगुलर नंबर में। मोस्टली जो अनकाउंटेबल होते हैं सिंगुलर ही होते हैं। इफ दे आर फॉलोड बाई काउंटेबल नाउन्स दे बिकम एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कह रहे अगर काउंटेबल नाउन आता है उसके बाद से तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन जाते हैं। क्लियर है? जैसे बहुत सारे बोलते थे सर एडजेक्टिव और नंबर में केवल नंबर ही आता है, वन पेन, टू पेन, थ्री पेन, फाइव पेन, ऐसा नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि उसके बाद नाउन को देख कर पता करते हैं हम कि क्या है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं आपके साथ, इसको कर लीजिएगा। वन टू मन इसमें वीडियो में नहीं है, थर्ड को दिखा रहा है। फिर ना ब्लैंक्स विथ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर जो भी इसमें करेक्ट होगा। जैसे देयर वर ओनली डैश सीट्स लाइंग वैकेंट। अब क्या लगेगा, तो आपको पहले ध्यान देना चाहिए सीट्स पे। तो क्या सीट्स काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल काउंट करते हैं सर, एक सीट, दो सीट, तीन सीट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, जो भी आपको लगाना लगाइए, जो भी काउंटेबल जो लगता है, फ्यू लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको आप कीजिए, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच, बाय बाय बेटा।